Hello students, how are you? Students, we are reading your chapter number 1st of history. Today, we will learn about the part number 6 of your chapter. आज की हमारी heading है New Social and Political Groups. आपकी book में जो आप history पढ़ेंगे, वो medieval period की history है. और medieval period का time है आपके ये दे रखा है बिल्कुल फर्स्ट लाइन में ही आपके पैसेज के 700 से लेकर के 1750 तक. अपने 6th क्लास की बुक में आप ने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था जो कि 700 ईयर से पीछे वाली हिस्ट्री थी. तो देखते हैं आपकी बुक में जो मेडिवल पीरियड है इसमें कौन कौन से सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप सामने आए, सोसाइटी में कौन से ग्रुप और पॉलिटी के अंदर राजनीति में कौन कौन से ग्रुप पावरफुल हो गए. द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 इज ए ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड. स्टूडेंट्स द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स, कौन से 1000 ईयर्स, 700 से लेकर के 1750 तक. तो इन 1000 ईयर्स की स्टडी करना इज ए ह्यूज चैलेंज. ह्यूज होता बहुत ही बड़ा चैलेंज है टू हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस के लिए. लार्जली मुख्य रूप से, मेनली बोल देते हैं इसको, तो मेनली रूप से इस पीरियड की स्टडी करना हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है. बिकॉज क्योंकि ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट ऑकर्ड ओवर दिस पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, जितने भी नए नए टाइप के इन्वेंशन या डिस्कवरीज हुई या जो भी डेवलपमेंट इस पीरियड में हुए 700 से 1750 के बीच में, उन डेवलपमेंट का स्केल पैमाना बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हुए और कई वैरायटी के डेवलपमेंट हुए, अनेक टाइप के डेवलपमेंट हुए. तो इस पीरियड की स्टडी करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस पीरियड में जितने भी डेवलपमेंट हुए उन डेवलपमेंट की जो स्केल है, पैमाना है, वो बहुत बड़ा है और डेवलपमेंट की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, अनेक टाइप हैं डेवलपमेंट के. तो इतने टाइप को देखना और इतने बड़े लेवल के डेवलपमेंट को देखना हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही बड़ा क्या है, चैलेंज है. एट डिफरेंट मोमेंट्स का मीनिंग हो गया अलग अलग समय पर, मोमेंट को हम टाइम भी कह देते हैं. एट डिफरेंट मोमेंट्स, अलग अलग समय पर इन दिस पीरियड, इस पीरियड में मतलब मेडिवल पीरियड में जो हम आपकी बुक में पढ़ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस. न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस, अपीयरेंस होता सामने आना या दिखाई देना. तो एट डिफरेंट मोमेंट्स, अलग अलग समय पर इन दिस पीरियड, इस पीरियड में न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस, मतलब हमारे सामने नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई टेक्नोलॉजी अपीयर होती है. अपीयर मीन्स हमारे को इस पीरियड में नई नई टेक्नोलॉजी अलग अलग मोमेंट पे, अलग अलग समय पे हमारे को दिखाई देती है. जैसे देखिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अलग अलग टाइम पे इस पीरियड में आई. अलग अलग टाइम का मीनिंग क्या स्टूडेंट, कि जैसे ये पीरियड 700 से स्टार्ट होता है, कोई टेक्नोलॉजी हमारे सामने 700 में अपीयर होती है, दिखाई देती है, कोई टेक्नोलॉजी 800 में आती है, कोई 900 में आती है. तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया और टाइम के अलग अलग पीरियड आते गए तो उसमें हमारे सामने अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी इस मेडिवल पीरियड में आती गई. तो देखिए किस टाइप की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई स्टूडेंट्स. लाइक द पर्जियन व्हील इन इरिगेशन. इरिगेशन में पर्जियन व्हील मेडिवल पीरियड में ही हमारे सामने आया. मैं पर्जियन व्हील इरिगेशन क्या होता है, जैसे फसल में हम जो सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, वो क्या होता है, इरिगेशन. तो स्टूडेंट्स पर्जियन व्हील क्या होता है, ये देखो व्हील होता पहिया, हीरा, तो ये होता पर्जियन व्हील. आज तो स्टूडेंट्स हम इरिगेशन करने के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं,
कनाल का इस्तेमाल करते हैं, नहरों का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन मेडिवल पीरियड में हमारे सामने एक इरिगेशन करने का एक अलग ही मेथड था, और एक टूल्स के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इरिगेशन हम करते थे। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या था आपकी, या टूल क्या था, यंत्र क्या था, वो था पर्जियन व्हील। देख सकते हैं आप इस पर्जियन व्हील को, इस पहिए को घुमाया जाता था बैलों के सहारे, और फिर है ना ये ज़मीन से वाटर को ड्रा करता था, ज़मीन से पानी को खींचता था, और उस पानी से फिर इरिगेशन की जाती थी। तो पहली जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई इस मेडिवल पीरियड में 700 से 1750 के बीच में, वो थी पर्जियन व्हील हमारे सामने आया। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील को चरखा कहते हैं स्टूडेंट्स, और वीविंग होता है आपके बुनाई। तो बुनाई के अंदर भी आपके चरखे का उपयोग इसमें हुआ, कताई में भी होता है चरखे का इस्तेमाल, बुनाई में भी होता है। तो वीविंग क्या होती है, बुनाई। तो वीविंग में हमें स्पिनिंग व्हील सामने आया इस पीरियड में हमारे सामने, मतलब कि चरखा, महात्मा गांधी चरखा कहते हैं ना, तो वही आपके चरखा कब आया हमारे सामने, मेडिवल पीरियड में। एंड फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट, फायर आर्म्स होते हैं आपके जो अग्नस्त्र बोलते हैं इनको, अग्नि वाले अस्त्र, मतलब कि गोला बारूद वाले जो अस्त्र या शस्त्र होते हैं ना, उनको बोलते हैं फायर आर्म्स। जैसे मेडिवल पीरियड में फायर आर्म्स का भी इस्तेमाल हुआ, जैसे कैनन की बात हम करते हैं, कैनन क्या होता है, तोप। तो सबसे पहले तोप का इस्तेमाल, आजकल जो तोप हैं या टैंक हैं वो सेना इस्तेमाल करती है, आपको पता हो तो, कैनन का इस्तेमाल। तो ये सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ था, पानीपत की फर्स्ट बैटल में कैनन का इस्तेमाल किया था बाबर ने। 1526 में हुई थी पानीपत की फर्स्ट बैटल, इब्राहिम लोधी और आपके बाबर के बीच में। तो इसके बारे में आप लेटर उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। तो कॉम्बैट क्या होता है स्टूडेंट, वार कह देते हैं, बैटल कह देते हैं लड़ाई में। तो लड़ाई में फायर आर्म्स जो आपके मतलब गोला बारूद वाले हथियार थे, कैनन जैसे तोप वगैरह, तो वो किस में आए, इसी पीरियड में सामने आए। तो ये कुछ ऐसे आविष्कार थे या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अपीयर हुई, हमें दिखाई दी, या उनका आविष्कार हुआ इस मेडिवल पीरियड में। और देखिए स्टूडेंट्स, और क्या क्या डेवलपमेंट हुए इस पीरियड में, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पटेटोज, कॉर्न, चिलीज, टीज एंड कॉफ़ी, नए नए फूड और बेवरेजेस भी आई। बेवरेजेस क्या होती है स्टूडेंट, वाटर को छोड़ करके जितनी भी पीने वाली चीज़ होती है ना, चाहे वो चाय है, चाहे कॉफ़ी है, चाहे जूस है, वो सारे के सारे बेवरेज में आते हैं स्टूडेंट्स। तो और कौन कौन से आविष्कार हुए, नए नए फूड, नए नए खाने के पदार्थ, भोजन हमारे सामने आए इस पीरियड में, और नई नई बिवरेज, पीने की चीज़ें भी हमारे सामने नई नई इस मेडिवल पीरियड में आती हैं, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में। हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं। पहले ये एक ही थे, इंडिया के ही पार्ट थे, और इनको सभी को मिलाकर के क्या बोला जाता था, सब कॉन्टिनेंट। तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या आए, नए नए फूड और बेवरेजेज भी आई इस मेडिवल पीरियड में, 700 से लेकर के 1750 के पीरियड में। पटेटोज जो आप आलू खाते हैं वो भी आया, कॉर्न, नए नए अनाज आए यहाँ पे, कॉर्न होता है अनाज, चिलीज जो मिर्च है आपके, जैसे ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च आप खाते हैं, टी और कॉफ़ी। तो ये कुछ ऐसे हमारे फूड के स्टफ़, फूड स्टफ, भोजन के पदार्थ, और कुछ ऐसी बिवरेज, पीने वाली चीज़ें थी जो हमारे सामने इस मेडिवल पीरियड में आई। पोटैटोज, कॉर्न और चिल्ली तो हो गए खाने वाले, और टी और कॉफ़ी क्या हो गया, पीने वाले। तो फूड में क्या आ गया स्टूडेंट, पोटैटोज, कॉर्न और चिल्ली, ये तो आ गए फूड में, और टी और कॉफ़ी आप पीते हैं, तो ये क्या आ गए बिवरेज में। तो रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलोंग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल।
तो इस चीज़ को भी रिमेम्बर करना या याद रखना जरूरी है स्टूडेंट्स, कि ये जितने भी इनोवेशन, इनोवेशन कह देंगे आप, इनोवेशन होता है स्टूडेंट्स कोई भी, जिसको हम नई डिस्कवरी होती है ना, न्यू डिस्कवरी होती है, कोई भी नई खोज या आविष्कार होता है उसको बोलते हैं इनोवेशन, या कोई चेंज आता है ना, चेंज को भी इनोवेशन बोल देंगे। तो जितने भी ये चेंज आए या जितने भी इनोवेशन ये हुए, जितने भी आविष्कार हुए, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी आई है चाहे क्रॉप्स आई है, टेक्नोलॉजी तो पता ही लग गया आपको, पजिन व्हील आ गया, स्पिनिंग व्हील आ गया, और फायर आर्म्स आ गए कॉम्बैट बैटल में, और क्रॉप्स कौन कौन सी थी, पोटैटोज, कॉर्न, चिल्ली, ये टी, कॉफ़ी, तो ये थी क्रॉप्स। तो जितनी भी ये इनोवेशन, ये जितने भी नए नए आविष्कार हुए ना फसलों के, या नई नई फसलें हमारे कंट्री में आई या नई टेक्नोलॉजी आई, केम अलोंग विद पीपल, उन लोगों के साथ आई हु ब्रॉट अदर आइडिया, जो दूसरे आइडिया लेके आए थे विद देम, अपने साथ, एज वेल, भी, एज वेल का मतलब था भी, आल्सो। तो लोग जो हमारी कंट्री में आए थे वो अपने साथ आइडिया भी लेके आए, टेक्नोलॉजी भी लेके आए, और क्रॉप्स भी लेके आए, क्योंकि आपके अलग अलग एरिया से वर्ल्ड के हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग आते थे, और जो लोग आए हमारे यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो अपने साथ में नए नए इनोवेशन, नए नए खोज, नए नए आविष्कार और नए नए परिवर्तन लेके आए। क्या लेके आए? नई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या, जैसे पर्जियन व्हील की टेक्नोलॉजी, या स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म्स की टेक्नोलॉजी, या नई नई क्रॉप्स भी लेके आए हमारे साथ में वो, जैसे स्टूडेंट्स आपके पोटैटोज, पोटैटोज के साथ में कॉर्न, चिल्ली और टी और कॉफ़ी, और वो नए आइडिया भी लेके आए। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग आए वो खाली नहीं आए अपने साथ में, वो बहुत चीज़ें लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए, क्रॉप्स लेके आए, और अपने साथ में नए नए आइडिया लेके आए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? दिस वॉज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पोलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो जो ये मेडिवल पीरियड है, जो आपकी बुक में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 700 से लेकर के 1750 तक का जो ये पीरियड है, तो ये किस चीज़ का पीरियड है? इकोनॉमिक, पोलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस का क्या है स्टूडेंट्स, पीरियड है। इकोनॉमिक चेंज कैसे हो गया? जैसे किसी आदमी की है ना, आपके उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो उसके पास में अच्छा पैसा हो जाता है, तो उसका इकोनॉमिक लेवल क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। जैसे कोई आपके क्लास में बच्चा गरीब है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी लो है, और कोई बच्चा अमीर परिवार से है तो उसकी आपके इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है? अच्छी होती है। बस सिर्फ सिंपल डेफिनेशन ही बताऊंगा, आगे वाली क्लासों में आपको इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पता लग जाए। पॉलिटिकल क्या होता है? पॉलिटिकल लीडर आपको पता ही है, राजनेता होते हैं हमारे, तो पॉलिटिकल चेंज भी बहुत आए, राजनीति में बहुत चेंज आए, सोसाइटी में भी बहुत चेंज आए, क्योंकि बाहर से लोग आए। पहले तो हमारी सोसाइटी में हमारे ही ओरिजिन के लोग रहते थे, हमारे देश के लोग रहते थे, लेकिन बाहर से लोग आए तो सोसाइटी चेंज हो गई। कल्चरल चेंज भी आए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बाहर से लोग आए थे वो अपने कल्चर यहाँ पे लेके आए। कल्चर में क्या आता स्टूडेंट्स? जैसे आप फूड कैसा खाते हैं, आप फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, आप लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, आप रिलीजन क्या मान, रिलीजन को किस किस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं स्टूडेंट्स? आपकी कल्चर में। तो कल्चरल चेंज भी हुआ। जैसे आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आपके कल्चर अलग है, पंजाब, जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं उनकी कल्चर अलग है, बंगाली लोगों की कल्चर अलग है, और उसके साथ साथ तमिल लोगों की कल्चर अलग है। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दी चेंजेज इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। और जो आपके इस मेडिवल पीरियड में जो भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंज आए, आप इन सभी चेंजेज के बारे में किस पीरियड में पढ़े, किस लेसन में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, से कौन से चैप्टर्स में? 5, 6 और 7 में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सभी हम पढ़ते हैं, दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। स्टूडेंट्स ये बहुत ही बड़ी गतिशीलता का पीरियड भी था। ग्रेट होता बहुत ही बड़ी, और मोबिलिटी होता है गतिशीलता। इंग्लिश में इसको बताता हूँ मैं, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लोगों की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, मोबिलिटी होता एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आवागमन। तो ये एक बहुत ही बड़े आवागमन का पीरियड भी था। लोग मोबिलिटी करते थे, आवागमन करते थे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आते थे, जाते थे। तो मूवमेंट का पीरियड भी था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। अभी हमने देखा कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी बाहर से लोग आए, वो अपने साथ में आइडियाज़ लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए, क्रॉप्स लेके आए,
इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। और मोबिलिटी का पीरियड था स्टूडेंट, ये पता है, गतिशीलता का, आवागमन का पीरियड था, लोग एक जगह से दूसरी जगह आते थे, जाते थे। ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप, ट्रेवल्ड, ट्रेवल करते थे, लॉन्ग डिस्टेंसेज, लंबी दूरी होता है लॉन्ग डिस्टेंस, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छा मौका मिल जाए, कहीं ना कहीं पे अच्छा रोजगार मिल जाए। तो अलग अलग अपॉर्चुनिटी की तलाश में अलग अलग लोग, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल करते थे इस पीरियड में, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरियों तक। आज भी लोग ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेज तक, ताकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत से लोग अमेरिका में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, ताकि उनको अच्छा मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा पैसा मिले। तो आज ही नहीं, पहले भी लोग मूवमेंट ऐसे करते थे स्टूडेंट्स। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ, जो आपके अपार होता है स्टूडेंट्स, इमेंस, बहुत ही ज़्यादा। एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्चून, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे लोग आते क्यों थे? क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इमेंस वेल्थ था, इमेंस होता बहुत ही ज़्यादा पैसा था यहाँ पे लोगों पे, धन दौलत होता है, इमेंस होता बहुत ज़्यादा, और वेल्थ हो गया धन दौलत या पैसा, मनी। तो लोगों के पास वेल्थ बहुत था यहाँ पे, पैसा बहुत था। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी लोगों के लिए, संभावना थी, टू कार्व, बनाने की या गढ़ने की ए फॉर्चून, अपना भाग्य या लक बनाने की लोगों के पास में यहाँ पे क्या थी, पॉसिबिलिटी थी स्टूडेंट। लोग यहाँ पे क्यों आते थे? एक तो यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा था, और एक यहाँ पे है ना आपके लोगों को अपना भाग्य बनाने की या अपनी प्रोग्रेस करने की बहुत ही बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। फॉर्चून हो गया लक बोल देते हैं, जिसको फेट भी कह देते हैं हम, और कार्व हो गया स्टूडेंट बनाना या गढ़ना। तो इसी वजह से, इस पॉसिबिलिटी की वजह से लोग आते थे, क्योंकि जैसे आजकल लोग मुंबई में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी किस्मत चमक जाती है, वहाँ पे उनका फॉर्चून कार्व हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। इसी तरीके से यहाँ भी क्या थी, पहले बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और बहुत पैसा था, इसी वजह से लोग यहाँ पे आते थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। स्टूडेंट अब देखेंगे कि बहुत से ग्रुप इस मेडिवल पीरियड में, 700 से 1750 के पीरियड में, बहुत ग्रुप आपके पावरफुल बने। तो इस पीरियड में एक ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया था, एक ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था लोगों का, और वो ग्रुप था राजपूत्स का। तो राजपूत है ना, इस ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। ए नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा, तो राजपूत जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, कहाँ से निकला है? ड्राइव्ड मीन्स निकलना, कहाँ से निकला? राजपुत्र से। राजपुत्रा का मतलब हो गया राजा का पुत्र, तो राजपुत्र शब्द से आपके क्या निकला है, क्या वर्ड ड्राइव्ड हुआ है? राजपूत्स। तो क्या बोलेंगे? द सन ऑफ रूलर, राजा का पुत्र। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरीज द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तो 8th से लेके 14th सेंचुरी तक है ना, जो राजपूत थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे। और राजपूत है ना, राजपूत टर्म है, जो राजपूत शब्द है वो किन लोगों पे अप्लाई होता था 8th से लेके 14th सेंचुरी तक, किन लोगों को राजपूत बोला जाता था? उन लोगों पे राजपूत शब्द अप्लाई होता था, उन लोगों को राजपूत बोला जाता था 8th से 14th सेंचुरी के बीच में, जो एक ग्रुप ऑफ वॉरियर था, योद्धाओं का एक समूह था ना, तो उन लोगों को क्या बोला जाता था? राजपूत। तो योद्धाओं के एक समूह के लिए, मतलब है ना, वॉरियर क्या होते हैं? युद्ध में लड़ने वाले योद्धा। तो युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं के एक समूह के लिए हम राजपूत टर्म अप्लाई करते थे, लागू करते थे, या उनको राजपूत कहते थे, ग्रुप ऑफ वॉरियर को 8th से लेके 14th सेंचुरी के बीच में। और ये राजपूत अपने आप या क्या क्लेम करते थे, किस चीज़ का दावा करते थे? कि हम है ना कास्ट स्टेटस से, क्या है क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन होते हैं स्टूडेंट्स? चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चार वर्ण होते थे ना, ब्राह्मण एजुकेशन देते थे, और क्षत्रिय समाज की रक्षा करते थे, और आपके वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, लड़ाई में। तो वो कहते थे कि हमारी कास्ट का जो लेवल है ना, वो क्षत्रियों के बराबर है, जो हमारा स्टेटस है ना, जो हमारी जाति का स्तर है, वो है ना हमारे को क्षत्रियों के बराबर रखता है। वो अपने आप को क्या बोलते थे? अक्षत्रिय बोलते थे। द टर्म इंक्लूडेड
The term included not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in armies of different monarchs all over the subcontinent. The Kshatriya term है, या जो राजपूत term है, वो सिर्फ ruler के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, भाई राजाओं को ruler नहीं बोला जाता था, जो बड़े-बड़े chieftains होते थे, जैसे मुखिया होते थे, गांव का मुखिया हो गया, वो भी अपने आप को क्षत्रिय कहते थे. इसके साथ साथ soldiers भी अपने आप को क्षत्रिय बोलते थे. और जो commander होते हैं, जिनको general, general सेनापति होता है, general, जैसे general बिपिन रावत बना था हमारा एक कमांड, आपके सेना का सेनापति. तो ये देखिए, जैसे अभी नरवणे हैं हमारा, क्या नाम है, सेना का जो कमांडर है आर्मी का. तो स्टूडेंट्स, जो चीफटेंस हैं, रूलर्स थे, या मतलब कि है ना सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, और जो आर्मी में सर्व करते थे, सेवा करते थे, अलग अलग मोनार्क्स, राजा की सेना में, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनको क्या बोला जाता था, अक्षत्रिय. तो जो अक्षत्रिय टर्म थी वो किसके लिए इस्तेमाल होती थी, रूलर के लिए नहीं, रूलर के लिए होती थी, अकेले लेकिन अकेले रूलर के लिए नहीं, चीफटेंस, जो बड़े बड़े सामंत, मुखिया, जमीन के मालिक, पावरफुल लोग, उनको चीफटन कहते थे, चीफ होता ना मुखिया. तो उन मुखियाओं के लिए भी, रूलर्स के लिए भी, सोल्जर्स के लिए भी, कमांडर के लिए भी आपके क्षत्रिय टर्म यूज होती थी. और क्या करते थे ये आपके सोल्जर्स और कमांडर, सर्व्ड, सेवा करते थे इन द आर्मीज, आर्मी में ऑफ डिफरेंट मोनार्क, अलग अलग राजाओं की आर्मी में सेवा करते थे, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में. एक्वेलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स बाई देयर पोइट्स एंड बार्ड्स. स्टूडेंट्स, राजपूतों के बारे में देखिए, उनके पोइट्स और बार्ड्स, जो राजपूतों की कविताएं लिखते थे ना, पोइट, कवि, और बार्ड्स होते हैं चारण भाट, जो जगह जगह गाना गाते हैं, उनको बोलते हैं चारण भाट, और पोइट होते हैं कवि लिखने वाले. जैसे गांव गांव में जाकर के जो लोग गाना गाते थे उनको बोलते थे बार्ड्स, चारण भाट. और पोइट्स, जो पोइट और बार्ड्स, मतलब जो पोइट और चारण भाट है ना, राजपूतों के बारे में लिखते थे ना, वो राजपूतों को आपके किस चीज़ से एट्रीब्यूट करते थे, देखिए. एक कवेलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, कवेलरिक होता स्टूडेंट्स आपके, मैं कवेलरिक के बारे में बताता हूँ, मर्यादापूर्ण होता कवेलरिक का मीनिंग्स. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट बोलेंगे व्यवहार, कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बोलेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा, और भी होता कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, भाई जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको आपके इन इन रूल्स को फॉलो करना है. तो कि नियमों की सूची भी होती है कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के टाइम में, लेकिन यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट को बोलेंगे मर्यादा, मतलब कि किसी रूल रेगुलेशन को न तोड़ना. तो एक क्वेलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, क्वेलरिक क्या होता है स्टूडेंट आपके, मर्यादा पूर्ण, और कोड ऑफ कंडक्ट हो गया व्यवहार. तो राजपूतों की खास बात क्या थी, वो क्वेलरिक, क्वेलरिक होता है मर्यादा पूर्ण, और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, व्यवहार, बिहेवियर. तो मर्यादा पूर्ण व्यवहार रखते थे. एक्सट्रीम वेलर, एक्सट्रीम होता बहुत ज़्यादा, वेलर होता आपके साहस या बहादुरी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा साहस या बहादुरी होती थी, क्रेज होता था. और एक उनके अंदर लॉयल्टी की ग्रेट सेंस होती थी, लॉयल्टी होती है, वफादारी की भी बहुत ही बड़ी भावना होती थी, वो किसी को धोखा नहीं देते थे. ये वो क्वालिटी थी जो एट्रीब्यूट जो बताई गई थी या दी गई थी राजपूतों को उनके पोइट्स और बार्ड्स ने. तो राजपूतों के जो पोइट्स और बार्ड्स थे, जो उनके चारण भाट गीत गाने वाले होते हैं चारण भाट, और जो उनके कवि थे, उन्होंने राजपूतों को कौन कौन सी क्वालिटीज एट्रीब्यूट की, कौन कौन सी क्वालिटीज दी राजपूतों को, कि राजपूत है ना क्वेलरिक, क्वेलरिक होता मर्यादापूर्ण, कोड ऑफ कंडक्ट व्यवहार, कि राजपूतों का व्यवहार क्या है, मर्यादापूर्ण है, और उनके अंदर एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा वेलर है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्या है, साहस है, और उनके अंदर लॉयल्टी की भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा वफादारी की भी बहुत ही बड़ी भावना की, वफादार हैं वो, किसी को धोखा नहीं देते. ये तीन चीज़ें थी जो उनके पोइट्स और आपके बार्ड्स ने उनको दी एट्रीब्यूट की. तो राजपूतों के बारे में आपने पढ़ लिया. अभी देखते हैं अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठाज, सिक्स, जाट्स, ओहोम्स एंड कायस्थ, ए कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज. तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे ग्रुप कौन से थे राजपूतों को छोड़ करके, जो मतलब कि है ना आपके आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने इस मेडिवल पीरियड में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज का फ़ायदा उठाया
और वो भी पॉलिटिकली रूप से, राजनीतिक रूप से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, ताकतवर बन गए। तो वो ग्रुप थे स्टूडेंट्स, मराठाज, मराठे, सिख और जाट और अहोम्स। अहोम्स के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे अगले अगले जितने भी आपके मतलब कि लेसन आएंगे आगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट लेसन है आपका, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके 10 लेसन्स हैं या आगे आने वाले 9 लेसन हैं इससे एक्स्ट्रा, तो सभी 9 लेसन्स की इसके अंदर एक है ना कंक्लूजन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया, इसी वजह से आपको चैप्टर बोर लग रहा है, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट बनाए रखें। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, दूसरे ग्रुप कौन कौन से स्टूडेंट हैं आपके, मराठा, सिख, जाट, सभी के बारे में पढ़ेंगे आप। कास्ट, एक स्क्राइब्स होते हैं मुंसिफ और सेक्रेटरीज, उनकी एक कास्ट थी आपके जो कायस्थ थे, इन्होंने भी आपके अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और ये भी काफ़ी पॉलिटिकली रूप से इम्पोर्टेंट बन गए इस पीरियड में। तो ये आपका पार्ट खत्म होता है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।